हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ा था, उससे रिलेटेड थ्योरी देखा था। आज के लेक्चर में हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो पहला इलस्ट्रेशन है ये जो बोर्ड पे लिखा है, दो एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स ये दे रखा है और उसका रिजल्टेंट दे रखा है, इट इज 5 and 2 और हमें निकालना है एक्स एंड वाई। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं देखना ध्यान से बच्चों। एक तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये जैसे मेरा इधर मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको 3 4 1 1, तो दिस इज 2 क्रॉस 2 और जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, दिस इज 2 क्रॉस 1। तो ये पार्ट सेम है तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो वैलिड है। और ऑब्टेंड मैट्रिक्स क्या होगी, 2 क्रॉस 1 वो दिख रहा है, ये 2 क्रॉस 1 है, इसका मतलब फॉर्मेट तो कलेक्ट लिखा है। अब क्या करें, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना क्या लिखूंगा मैं, इसका फर्स्ट रो इसका कॉलम, तो 3x + 4y, ये मेरा एक एलिमेंट होगा जो ऑब्टेंड मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 की उसका। और दूसरा इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसका, तो क्या होगा x + y, तो इधर होगा x + y। क्लियर है बच्चों? और ये मुझे दिया है किसके बराबर, 5 2। तो अब ये दो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 की, देन वी कैन इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, दो इक्वेशन क्या बनी, 3x + 4y = 5 और एक बनी x + y = 2। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वी कैन गेट x एंड y। ठीक है, इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना, x और y निकाल लेना। चलो अब मैं इसको दूसरे मेथड से डिस्कस करता हूं। तो देखना, ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं अपन। नोट क्या है, मतलब है बहुत सिंपल सी चीज बट फॉर फास्ट कैलकुलेशन। क्या क्या बता रहा हूं मैं कि हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स फॉर ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब फास्ट कैसे करेंगे। देखो पहले मैं, उसके बाद मैं इस मेथड पे जंप करता हूं दोबारा। तो इधर नोट करके लिख सकते हो, लेट्स से मेरा मैट्रिक्स ए है, देख रहे इधर मैं खी देता हूं। देखो इधर मैंने बोला एक मैट्रिक्स है मेरा ए, लेट्स से ABCD, ठीक है। अब मुझे पता है इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अभी मैं जो लिख रहा हूं उसको हमें मेमोराइज करना है जिससे हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर पाए। तो देखना एक बार पहले प्रोसीजर से कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट बना लेंगे हम इधर से उधर डायरेक्टली कैसे जंप करेंगे। तो पहले तो मैंने लिखा अपना एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एक काम करते हैं पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए को इसके कोफैक्टर से दैट इज बी, इसके कोफैक्टर माइनस सी, इसका कोफैक्टर माइनस बी और इसका कोफैक्टर ए। अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लूंगा तो इधर डी, इधर माइनस सी, इधर माइनस बी, इधर ए। अच्छा अभी ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली आई एम राइटिंग ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा अब डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इसका डेल्टा डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, AD - BC, तो 1/AD - BC और इधर हमारा ये मैट्रिक्स लिखा है D - C - BA। ठीक है, तो देखना अब मैं अब हम एक वो बना लेते हैं, थियरी बना लेते हैं इसके अलावा कि डायरेक्ट मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या करें। देखो ये तो डेल्टा है, ये तो बहुत चुटकियों का काम है 2 क्रॉस 2 के लिए AD - BC। अब ध्यान से देखो इधर क्या किया हमने, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, देखो डी इधर आ गया, ए इधर आ गया और इन दोनों एलिमेंट्स में एक एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगा दिया, यू कैन सी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ये दे रखा है 1 2 3 4, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। तो इस रूल के हिसाब से क्या करूं, बाहर तो डेल्टा से डिवाइड करता हूं, तो 1/डेल्टा 1 × 4 4 - 6 - 2। फिर क्या बोला कि डायगनल एलिमेंट्स है इनको तो इंटरचेंज किया, तो इधर आएगा 4, इधर आएगा 1 और इधर एक्स्ट्रा बस माइनस माइनस लगा दिया, सो दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। क्लियर हुआ, तो इसको मेमोराइज कर लो। ठीक है, 3 क्रॉस 3 के लिए तो निकालना ही पड़ेगा प्रोसीजर से, यही प्रोसीजर रहेगा, बट 2 क्रॉस 2 के लिए मेमोराइज कर सकते डायरेक्टली कैसे आया। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इधर इनवर्स निकालना पड़ेगा। देखो क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है, लेट्स से दिस इज ए, क्या किया इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई, दिस इज माय मेथड टू मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई लिखो, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा और आई इंटू ये वाला मैट्रिक्स, तो यही वाला मैट्रिक्स बचेगा। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम एक एक स्टेप करके लिखना,
दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया था तो इधर ए इनवर्स आएगा। तो अब देखना, चलो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, चलो इधर लिख लेते हैं एक एक स्टेप में, ए इनवर्स इंटू फाइव टू। क्लियर है बच्चों, क्या किया मैंने, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं तो ए इनवर्स इंटू आई हो गया, आई इंटू दिस मैट्रिक्स, यही वाला मैट्रिक्स हो गया, और इधर क्या गया, ए इनवर्स इंटू ये वाला मैट्रिक्स फाइव टू। अब देखो क्या किया, अब जैसे मैंने बताया ए, अगर ये ए है तो ए इनवर्स लिखना है, तो क्या डायरेक्टली कैसे लिखें, पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा, थ्री वन जो थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो वन अपॉन माइनस वन, ये तो डेल्टा हो गया। मैट्रिक्स कैसे बोला मैंने, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, इधर थ्री इधर वन है तो उल्टा हो जाएगा, इधर वन और इधर थ्री, और इधर फोर और वन है तो बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस फोर माइनस वन, और ये मेरा फाइव टू लिखा ही है। अब इस माइनस को चलो अंदर ले जाओ, नहीं ले जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेके चले जाते हैं, माइनस वन फोर वन माइनस थ्री, और ये हो गया हमारा फाइव टू। अब ये कितना है, टू क्रॉस टू, और ये है टू क्रॉस वन, तो ये गया तो क्या बनेगा, टू क्रॉस वन बनेगा हमारा, तो दो एलिमेंट आएंगे। अब देखना ये वाला क्या आएगा, माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव, फोर टू जै एट, तो एट माइनस फाइव थ्री, फिर वन इंटू फाइव फाइव माइनस सिक्स माइनस वन, दिस इज माई एक्स वाई। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब x 3 होगा, y माइनस वन होगा, दैट्स इट। समझ में आया कैसे आसान रहा इससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। देखो अभी तो फिर भी तुम्हें लगा होगी सर वो जो दो लीनियर इक्वेशन बनी थी 3x plus 4y is equal to 5 और x plus 5 is equal to 2 वो ज्यादा आसान है, ठीक है अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 के लिए ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं मेथड लेंथ ऑफ मेथड में, बट जब इधर 3 क्रॉस 3 होगा जैसे हम अभी आगे एग्जांपल में देखेंगे तब फिर हमें वही मेथड काम आएगा, यही वाला मेथड 2 जो मैंने बताया। फिर उसमें क्या होगा ना, जैसे मैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स की साइज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा बढ़ेंगे। समझ में आया, जैसा कि अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा नोट और लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ये भी नोट के फॉर्म में लिखना है, टू क्रॉस टू का इनवर्स कैसे निकाला हमने, ठीक है। डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स थे उन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगाया और प्लस डिटरमिनेंट से डिवाइड किया। एक और नोट है, देखना जो डायगनल मैट्रिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लो। जैसे मैं लिखा ए इज इक्वल टू डी आई ए, डायगनल मैट्रिक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब क्या होता है, देखना ए इज इक्वल टू अल्फा जीरो 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 बीटा जीरो 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 गामा। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया ए इज डायगनल ऑफ दिस, दिस मींस ए इज अ मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा। अब एक चीज और देखना, अब मुझे मान लो इसका इनवर्स निकालना है, एक तो तरीका क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर से करो, पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, फिर उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करो। बट इनवर्स निकालने के लिए हम थोड़ा सा एक लॉजिक यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें दो तीन क्लास पहले मैंने बताया था कि अगर हम दो डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है दैट विल बी अ डायगनल मैट्रिक्स, और उसके जो जो ऑब्टेंड मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दोस टू मैट्रिसेस जिनको मल्टीप्लाई किया मैंने। तो सुनना, अब मुझे पता है कि इसका इनवर्स और इसका, सुनना क्या बोला मैंने कि a इंटू ए इनवर्स जो है वो i आना चाहिए, a इंटू ए इनवर्स i आना चाहिए। अब सोचो मुझे पता है कि ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है, इनवर्स भी एक डायगनल मैट्रिक्स होगी, तो खुद सोचो कि इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा i कब आएगा, कब आएगा, जब इसके इन डायगनल एलिमेंट्स, एक तो ये डायगनल मैट्रिक्स हो पहली बात, और दूसरी बात इसके एलिमेंट्स क्या हो, मुझे 1 1 1 चाहिए, इधर ऑलरेडी अल्फा बीटा गामा है, तो इसका इसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। क्लियर है बच्चों, तो अपने डायरेक्टली लिख सकता हूं ए इनवर्स विल बी, या तो मैं देखो ऐसे लिख लेता हूं, डायगनल मैट्रिक्स और जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। देखो ये चीज कब यूज होगी, हमारे फास्ट कैलकुलेशन के लिए। देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि इसका तुम इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, प्रोसीजर से करोगे तो माइट बी इट विल टेक 1 मिनट या 40 सेकंड्स, बट इसका यूज करोगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा तुरंत। डायगनल मैट्रिक्स है, इनवर्स इज नथिंग बट एनी एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखना क्या लिख रहा हूं, 1 बाय अल्फा 0 0 0 1 बाय बीटा 0 0 0 1 बाय गामा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स ही होगा। कब लिख पा रहा हूँ, जब ये डायगनल मैट्रिक्स है। तो क्या किया ओवरऑल हमने, क्या किया, जो डायगनल मैट्रिक्स है
उसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो सिंपली आई विल इन्वर्ट दी डायगनल एलिमेंट्स, मैं डायगनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूंगा, बस इन्वर्ट कर दूंगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है चलो अब हम प्रॉपरली क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो उससे पहले तुम लोग कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखना ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 2, 1, 3, 2 ए और इधर दिया है -3, 2, 5, -3 इज इक्वल टू। तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं भी पूरा फ्लो नहीं बताऊं, पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं। आई जस्ट टेल यू द फ्लो, थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा, नॉट टिल लास्ट। और इसको अगेन वी कैन सॉल्व इट विद टू मेथड्स। देखो एक तरीका तो क्या है कि हम ए को मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है तो पहले ए का ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं हम। देखना ये जो मेरा मैट्रिक्स है पहला, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है और ये क्या है 2x2। फिर अगेन मेरा इधर क्या है 2x2 और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है मेरा दैट इज ऑल्सो 2x2। ध्यान से देखना बच्चों, नाउ आई एम डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ ए सो दैट मेरे को कितने वेरिएबल एज्यूम करने वो मैं लिख पाऊंगा इधर। अब देखो, अब मुझे पता है कि ये ऐसा लिखा है तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो इस ए के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 होना चाहिए, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसके पहले वाले जो लिखते हैं वेरिएबल उसके उससे बराबर होता है, तो दिस शुड बी 2x। ये हो गया 2 इसके बराबर। ठीक है अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब अगर इसके नंबर ऑफ रोज 2 है इधर, तो इसके इधर 2 कॉलम होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो डिसाइड हो गया कि क्या कि ए का ऑर्डर क्या होगा 2x2। ए का ऑर्डर अगर 2x2 होगा तो मैं चार वेरिएबल एज्यूम कर सकता हूं, क्या एक्स वाई, चलो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझ में आया कैसे मैंने डिसाइड किया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? ठीक है ना। चलो अब सुनना, अब एक तरीका क्या है अगेन कि चलो बताता हूं मैं, 3, 2, -3, 2, 5, -3 इधर है हमारा -2, 4, 3, -1। देखो एक तरीका क्या है हमारा, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो तो इन दोनों को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो देखो क्या आएगा 2 × 2w + y पहला एलिमेंट इधर आएगा, फिर दूसरा ये रो 1 फिक्स किया तो 2x + z, फिर 3w + 2y और 3x + 2z, दिस इनटू -3, 2, 5, -3। तुम्हें इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, अभी मैं छोड़ दूंगा इसके बाद। देखो अब ये हो गया, अब क्या करें, अगेन दिस इज 2x2 तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की। मैं उसका एक एलिमेंट लिख के बता देता हूं, क्या होगा ये रो इनटू ये, तो -3 × this क्या होगा -3 × 2w + y +5 × 2x + z। ये एक एलिमेंट होगा, अभी ऐसे चार एलिमेंट आएंगे एक इधर और इधर, उन चारों को तुम इन नंबर चार नंबर्स के बराबर करोगे तो यू विल गेट 4 variables, 4 equations, देन यू हैव टू सॉल्व इट। तो समझ में आ रहा है, अगर जैसे जैसे मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2x1 था तो 2 variables से काम चल रहा था, तो मेथड 1 भी इजी जा रहा था, बट अभी देख रहे हो तो मेथड 1 थोड़ा सा टफ जाएगा, इसलिए अब हम क्या करेंगे इसको मेथड 2 से ट्राई सॉल्व करना कोशिश करेंगे। दैट इज वी विल यूज ए इनवर्स काइंड ऑफ ए इनवर्स वाला फैक्ट यूज करूंगा। तो उससे पहले तुम क्या करो, इतना कॉपी करके इसको इस मेथड से कंप्लीट करो, उसके बाद तुम लोग मेथड 2 देखना जो मैं भी बताने जा रहा हूं। ठीक है तो मैं इसको रब कर देता हूं, यहां से यहां तक मैंने इसको रब कर रहा हूं। अब देखना, अब मैं बता वो भी मेथड मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, यू हैव टू डू इट, मैं स्लो बता देता हूं हाउ टू सॉल्व दैट। क्या करेंगे देखना, लेट्स से ये मेरा बी है, ये सी है, मुझे ए निकालना है, दिस इज माय ए। तो पहले तो क्या किया इसको, इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई, चलो पूरा एक काम करते हैं, पूरा लिख लेते बी ए सी और ये लिखते हैं डी, लेट्स से। तो मेरी जो इक्वेशन लिखी है वो ऐसे लिखा है बी ए सी इज इक्वल टू डी और मुझे निकालना है ए मैट्रिक्स, क्लियर है, बी सी डी दिया है हमें दिया है, तो क्या किया पहले इसको प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई विथ B inverse, तो इधर से B गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा A into C, B inverse into B I हो जाएगा और I into A is A only, तो इधर आ जाएगा B inverse into D। अब क्या करूं मैं,
अब मैं सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट इधर से सी गायब हो जाएगा, मुझे ए चाहिए ना, तो क्या करूं मैं, पोस्ट मल्टीप्लाई विथ सी इनवर्स, इधर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी, पहले लिखा है पोस्ट किया, एक्चुअली डी के बाद आएगा, दैट इज सी इनवर्स, तो फाइनली हमारा ए आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कितना आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है 2x2 का इनवर्स निकालना तो चुटकियों का काम है, अभी बताया शॉर्ट ट्रिक। क्या करते हैं हम, डेल्टा से डिवाइड करते हैं, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो इट इज सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, 2x2 के तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। क्लियर हो बच्चे? तो इसलिए मैंने बताया था मेथड 2 इज यूजफुल। अभी मैं एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें मैं और लेंथ बढ़ा दूंगा, जो मैट्रिक्स निकालनी है मुझे उसकी, तो फिर मतलब अगर मान लो मैंने 3x3 ले लिया या 3x2 ले लिया, तो सोचो कि जैसे 3x2 लिया तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, 6 एलिमेंट्स होंगे, तो 6 वेरिएबल्स 6 इक्वेशन बनेंगी अगर मैंने मेथड 1 से सॉल्व किया, बट अगर मेथड 2 से सॉल्व करूंगा तो केवल इनवर्स निकालना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, दोनों मेथड से यू शुड वेरीफाई कि दोनों मेथड से सेम आ रहा है नहीं आंसर, इस वाले क्वेश्चन में भी और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूं और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन लिखो, अब थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं इसका, देखना ध्यान से बच्चों, 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, दिस मैट्रिक्स इनटू X, Y, Z, U, V, W is equal to 9 52 0 2 15 -1। ठीक है, अच्छा देखो एक कन्वेंशनल मेथड क्या होगा देखना, अगर मान लो मुझे कोई दिमाग वगैरह खर्च नहीं करना है तो क्या करूं मैं, फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं, ये क्या है बेसिकली, चलो पहले लिख लेते हैं, दिस इज 3x3 एंड दिस इज 3x2, तो ये गया, तो क्या बनेगा, 3x2 बनेगा, ये बन भी रहा है 3x2। तो देखना एक तरीका क्या है, मेथड 1 जो बहुत लेंथी होगा तो उससे भी कंप्लीट करना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखना क्या करूंगा मैं, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा इधर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसका फर्स्ट रो पकड़ के रखूंगा इसके सेकंड कॉलम से होगा तो क्या आएगा, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, फिर इसका फर्स्ट सेकंड रो इसके सेकंड फर्स्ट कॉलम से तो क्या आएगा, 2x प्लस 5y प्लस 7z, फिर उधर आएगा 2u प्लस 5v प्लस 7w, फिर इधर थर्ड रो इसका 2x प्लस y माइनस z और इधर जाएगा 2u प्लस v माइनस w। अब तुम इसको इस मैट्रिक्स के बराबर करोगे तो यू कैन सी 6 वेरिएबल्स है, 6 इक्वेशन बनेगा, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन बनेगी और 3 अलग वेरिएबल्स 3 इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, मिक्सअप नहीं, वो 6 वेरिएबल मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हार्ड तो हो गए क्योंकि 6 इक्वेशन बन रही, 6 वेरिएबल है हमारे, तो इसलिए व्हाट वी शुड प्रेफर, इससे भी कंप्लीट करना ही है। ठीक है ना, मैंने बोला क्या करें हम, इस लेट से अगर ये मैंने ए बोला और इसको मान लो बी बोला और ये सी है मेरा, देखना तो हमारी इक्वेशन क्या लिखी है, ए बी इज इक्वल टू सी, मुझे निकालना है बी मैट्रिक्स, तो क्या करूं मैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं प्री मल्टीप्लाई, तो क्या करूंगा मैं मेथड 2 में, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, तो इधर से आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू सी, दैट्स इट। तो फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो मैट्रिक्स, तो सोच रहे हो मैट्रिक्स जैसे जैसे साइज बढ़ती जा रही है मेथड 2 जो है वो हमारा फास्ट कैलकुलेशन देगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, दोनों मेथड से कंप्लीट करना, इट्स योर टारगेट, यू शुड वेरीफाई योरसेल्फ दोनों मेथड से आंसर मैच कर रहा है या नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस विल बी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तुम लोग एक बार कॉपी करके खुद से ट्राई करो, मैं इसको डिस्कस करता हूं अभी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, fx एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है, एक g ऑफ y दिया है, तो एक एक करके हम करते हैं, इसके तीन पार्ट दिए। पहला पार्ट में इसने देखा है प्रूव दैट f इनवर्स x इज f ऑफ माइनस x, तो बहुत ही आसान पार्ट है ये। देखो इसको करने के दो तरीके हैं एक्चुअली, क्या है कि देखो f ऑफ, पहले हमने f ऑफ माइनस x निकाला, तो f ऑफ माइनस x क्या होगा, जहां जहां x दिया है fx के अंदर उसको मैं माइनस x से रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो cos और cos में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि cos ऑफ माइनस x cos x ही होता है, तो ये तो cos x ही रहा, बट साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है और एक ऑलरेडी माइनस दिया था, तो इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स, जीरो का जीरो रहेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस साइन ऑफ एक्स,
और ये जीरो रहेगा, ये जीरो, cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही रहेगा, ये जीरो और ये वन, तो ये तो मेरा हो गया f ऑफ माइनस x। अब एक तरीका क्या है कि तुम इसका इनवर्स निकाल लो डायरेक्टली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नंबर वन कि मैं इसका इनवर्स निकाल लेता हूँ। इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालते हैं उसके बाद उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो तुम लोग इससे वेरीफाई करना, क्या करोगे तुम, इसका इनवर्स निकालना है तो पहले इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओगे, एफ ऑफ सी डिनोट कर देता हूं मैं, इसको कैसे लिखोगे चलो लिख लेते हैं एक बार। पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट आएगा, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इनवर्स आएगा, ठीक है। देन वी विल सी कि ये बराबर आ रहा है या नहीं उसके, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा उससे पहले मैं इसका डेल्टा निकाल के अलग से रख लेता हूं क्योंकि यूज होने वाला हमारा डेल्टा, डेल्टा ऑफ एफ कितना आएगा, कॉलम थ्री के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं तो वन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस विल बी वन, डेल्टा तो वन आ गया नीट एंड क्लीन। तो इसका मतलब जो हमारा एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, मतलब एफ इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ एफ, एडजॉइंट ऑफ एफ विल बी एफ इनवर्स, ठीक है ना। वैसे तो डिवाइड होता है क्या बोलते हैं एडजॉइंट को, हम डिवाइड करते हैं डेल्टा से, बट डेल्टा वन आ गया, चलो इसको लिख लो ऐसे वन। तो इनवर्स क्या बेसिकली एडजॉइंट ऑफ एफ ही निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करें, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना, सॉरी इसका, ठीक है चलो। तो निकाला जाए तो कॉस एक्स का अपना क्या बोलते हैं कोफैक्टर क्या होगा, ये गया ये गया, कॉस एक्स इंटू वन, इधर कॉस एक्स ही आया, फिर माइनस साइन एक्स का कोफैक्टर, इस सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, ये गया तो साइन एक्स आया, और साइन एक्स तो आया बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा, माइनस वन की पावर आई प्लस जी होता है। सिमिलरली इस जीरो का क्या हुआ, ये गया ये बचा तो ये जीरो आया, फिर इस साइन एक्स का ये गया माइनस साइन एक्स, और एक पहले से रहेगा तो एक साइन एक्स हो गया, ठीक है चलो। उसके बाद इस कॉस एक्स का ये गया तो कॉस एक्स ही आया, ये कॉस एक्स आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, फिर इस जीरो का ये गया और ये गया और ये गया तो ये जीरो तो ये जीरो ही आया, एंड लास्टली इस इसका कोफैक्टर ये गया जीरो, इसका जीरो ही आया। सिमिलरली इसका निकालते हैं तो ये गया जीरो, जीरो ही आया, एंड लास्टली इसका ये गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन आया वन, बट वन हाँ चलो ठीक है वन आया, ठीक है। अच्छा अब मेरा ये क्या आया कोफैक्टर, अब मैं एडजॉइंट क्या बोलूंगा, एडजॉइंट इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, तो इधर कॉस एक्स, इसका जो रो वन है वो इसका कॉलम वन हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, इधर आया साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, और यही मेरा इनवर्स के बराबर हो जाएगा क्यों, क्योंकि डेल्टा तो वन है, मैंने अभी देखा डेल्टा वन है तो एडजॉइंट और इनवर्स बराबर होंगे। नाउ यू कैन सी कि जो f ऑफ माइनस एक्स है वो इनवर्स के बराबर आ रहा है क्या, देखो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, हैंस प्रूफ्ड। तो इसमें तो कोई दिमाग खर्च हुआ नहीं, मतलब प्रोसीजरल क्वेश्चन हो गया अभी तक, तो मतलब ऐसा कुछ हमने दिमाग वाला काम किया नहीं, बस सिंपली एफ एक्स जो 3x3 मैट्रिक्स था उसका इनवर्स निकाल लिया और वो देखा इसके बराबर आ गया, क्लियर है। अब एक मेथड और देख लेते हैं, उसको तुम लोग कंप्लीट करना, मैं बता देता हूं, ठीक है चलो। बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। मैंने क्या बोला कि देखना पहला पार्ट के लिए कि अगर उसमें बोला है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो देखना अगर मैंने देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर ये प्रूव कर दिया आई आ रहा है, तो सोचना मैंने अगर ये प्रूव कर दिया अगर आई आ रहा है तो कहना इसे कि ये जो होगा वो एफ इनवर्स एक्स होगा, दिस इंप्लाइज, वही तो मुझे प्रूव करना है एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ इनवर्स एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट आई क्यों होगा, क्योंकि अगर आया तो मैं बोल रहा हूं इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आई आया, किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आई आता है तो इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स के एक दूसरे का इनवर्स है, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, दिस इज इनवर्स ऑफ एफ एफ एक्स, और यही तो मुझे प्रूव करना है एफ इनवर्स एक्स इज माइनस एफ एक्स। तो ओवरऑल इसमें क्या होगा, हमें इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स तो चुटकियों में आ जाता है, जैसे मैंने बताया था एक्स के माइनस एक्स रखो बस, ये दोनों एलिमेंट्स साइन एक्स वाले नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे और उसको हम केवल एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वेश्चन किसमें रिड्यूस हो गया, सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो मेथड टू तुम लोग करना क्या करोगे, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड जस्ट सी कि उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ गया दिस इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ इनवर्स एक्स, डायरेक्टली यू कैन पुट,
क्लियर है बच्चों? चलो अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो रब कर लेता हूं मैं, सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई दिमाग वाला तो है नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इधर y की तरह डील कर, बस इसमें x के y है अकेला, और कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा मैट्रिक्स की पोजीशनिंग अलग अलग है। तो ये लोग ये भी तुम कर लेना दोनों मेथड से। क्या करोगे इसमें भी, पहले g ऑफ माइनस y निकालोगे, उसको g ऑफ y से मल्टीप्लाई करना, अगर वो y आ गया इसका मतलब g ऑफ माइनस y क्या है, g का इनवर्स। और एक तरीका क्या है, इसका इनवर्स निकाल लेना और उसको देख लेना g ऑफ माइनस y के बराबर आ रहा है कि नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। तो देखना थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से बच्चों। मैंने बोला एफ एक्स इंटू जी वाई का इनवर्स मुझे प्रूफ करना है इसके बराबर। तो पहले इधर रिवर्सल लॉ लगाते हैं, कल बताया था जैसे कि प्रॉपर्टीज में ए इंटू बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा देखना, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, एफ इंटू जी वाई इसका इनवर्स, दिस विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ वाई का इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स का इनवर्स, रिवर्सल लॉ। अच्छा, और जी इनवर्स वाई जो है मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं जी ऑफ माइनस वाई, इससे पहले वाले प्रूफ पार्ट में। तो दिस इज जी ऑफ माइनस वाई, और एफ इनवर्स एक्स भी प्रूफ कर चुके हम इससे प्रीवियस पार्ट में, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, है तो दो ही लाइन का, बहुत आसान है, बट एक ही चीज यूज करनी थी हमें। इधर क्या याद रखना था, ए इंटू बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ। और ये पार्ट इसलिए छोटा हो गया क्योंकि पहले दो पार्ट हम निकाल चुके हैं, अगर मान लो पहले दो पार्ट नहीं होते हमारे पास आंसर, तो फिर हमें ये भी निकालना पड़ता ना, ये वाला और ये, तो थोड़ा लेंथी हो जाता। बट ऑल दो वी हैव सॉल्व फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज इजी, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब हम फर्स्ट और सेकंड का जो रिजल्ट आया उसको यूज कर रहे हैं थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके कॉपी करो, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखना ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक एंड कम्यूटेबल मैट्रिसेस, commutable matrices, then prove that, to prove क्या लिखना है, A inverse into B inverse is also symmetric matrix. ठीक है, चलो तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखना तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, अच्छा रहेगा, फायदा मिलेगा अगर एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम लोगों का। और अभी मैं इसको बताने जा रहा हूं। तो उसने क्या लिखा, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक एंड कम्यूटेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक बोल के मैं क्या इन्फॉर्मेशन यूज कर सकता हूं, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो क्या होता है, वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होती है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, इसके पहले के पहले वाले लेक्चर में। फिर बी भी सिमेट्रिक है तो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज होगी। और थर्ड क्या है, ए एंड बी कम्यूट, तो ए और बी कम्यूट करते हैं तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसके ऊपर भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो दीज थ्री आर गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज फॉर्म में दिया था उसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया। अब थर्ड चीज उसने जो प्रूव करने बोली है वो क्या है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है, कि A इनवर्स इंटू बी इनवर्स जो है बराबर किसके आना चाहिए, A इनवर्स इंटू बी इनवर्स इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। समझ में आया, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें इसको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स वगैरह में भी देखा था, अगर मान लो हमें कोई मैट्रिक्स प्रूफ करना है, सिमेट्रिक है इस टाइप की चीज, तो हम क्या करते हैं, हम उस मैट्रिक्स को एक सी मान लेते हैं, कोई भी एक सिंगल मैट्रिक्स मान लेते हैं। इधर तो दो का मल्टीप्लीकेशन लिखा है, तो क्या करें, हम इसको एक सी मान लेते हैं। तो लेट, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, लेट ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, लेट ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू सी। अब मेरे को प्रूफ क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से
सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो मैं सी ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा देखना, ए इनवर्स इन टू, एक एक स्टेप पे ध्यान देखना, ये तो सी हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल में हमें पता है कि रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स का ट्रांसपोज इन टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब कल ही प्रॉपर्टी लिखवाया था कि इनवर्स और ट्रांसपोज इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, बी इनवर्स का ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज का इनवर्स, और सिमिलरली ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अभी देखना और लिखना है इसके आगे। अब सिंस अब ये वाला फैक्ट, ये दोनों इक्वेशन यूज करूंगा मैं, बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए, तो इधर क्या मिला मुझे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बट मुझे तो अभी सी के बराबर प्रूफ करना है ना, तो सी तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स है, बट ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं आगे देखते हैं हम। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, इसको मैं जो हम प्रोडक्ट, अब जैसे इनवर्स को हम ब्रेक करते हैं रिवर्सल लॉ, उसका उल्टा करते हैं, जैसे हमें ए इंटू बी का इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, अब उसी को उल्टा लिखा, तो इसको उल्टा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का इनवर्स, खुद खोल के देख लो इसको, अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वही लिखा है। अब देखो ध्यान से मस्त चीज, अब मुझे पता है ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर, क्यों, क्योंकि ये दोनों कम्यूट कर रहा है, तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, बी ए का इनवर्स। अब फर्दर अब दोबारा एक बार इसको ब्रेक कर लो रिवर्सल लॉ, तो क्या हो जाएगा ये ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स, और यही तो मुझे चाहिए था, ये किसके बराबर है, सी, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, हेंस सी इज व्हाट, सिमेट्रिक, सी हमने इसी को तो मारा ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स, क्लियर हुआ। काफी मजेदार चीज है, ठीक है ना, काफी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज हो गई है जो मैंने कल बताया था, और बोला भी था कल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल का लेक्चर, ठीक है ना, जो कल का लेक्चर कराया था उसमें हमने ये सब सीखा था कि इनवर्स, ये एक तो ये वाला प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, बी ट्रांसपोज का, बी इनवर्स का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज का इनवर्स, क्लियर है। और फिर रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज में भी यूज होता है, एडजॉइंट में भी यूज होता है, और इनवर्स में, तीनों जगह होता है, ए बी का इनवर्स, बी ए बी का इनवर्स, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का एडजॉइंट, उल्टा हो जाता है, बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो वो सब चीज यूज हुई है, ठीक है। तो मजेदार क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एंड शीट प्रैक्टिस करते रहना, और आरडी शर्मा भी कोशिश करना है कि बिफोर 1st of June मतलब कंप्लीट हो जाए, सो दैट हम जब फंक्शन पढ़े तो पूरा कंसंट्रेशन हमारा फंक्शन पे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, लेट ए इज अ एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज इट्स एडजॉइंट, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस के टाइम्स आई एन, के इज एनी स्केलर, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के होल पावर एन, वेयर के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो इसमें दिया ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज इट्स एडजॉइंट, तो बी क्या है बेसिकली, ए का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिख लेते हैं। अब इस चीज को मैं इसमें रख देता हूँ, तो फाइनली देखना a इंटू बी इज एडजॉइंट ऑफ a माइनस k टाइम्स आई एन, तो ये मेरा LHS लिख लिया मैंने, ठीक है ना, बस b को क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ a, जो कि दिया हुआ है। अब याद है जब मैंने स्टार्ट किया था इनवर्स और एडजॉइंट कल, तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, वो यूज कर ले रहा, तो दिस कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन माइनस के टाइम्स आई एन, इसका डिटर्मिनेंट। अब ये तो आई एन इसमें से कॉमन लिया, तो पहले तो डिटर्मिनेंट लिखा है, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के, ये देख कॉन्स्टेंट स्केलर है, इनटू आई एन। अब मुझे पता है कि अगर ये एक स्केलर है, तो इसको मैं अगर डिटर्मिनेंट के बाहर ले रहा हूं तो क्या बन के बाहर आएगा, पावर एन, क्योंकि अगर आई एन मतलब इसका ऑर्डर कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के, ये एक स्केलर हो गया, इसका पूरे का पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, और डिटरमिनेंट ऑफ आई एन कितना होता है 1, तो फाइनली यही तो मुझे प्रूफ करना था, क्लियर हुआ बच्चों।
तो आसान क्वेश्चन है, बट एक ही चीज यूज होगी हमारी इधर, ये वाली प्रॉपर्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। जैसे कल बोला भी था, पहली दो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं एक बार रिकॉल करते हैं। एक तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, एक तो ये, और दूसरा बताया था मैंने एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या करता है, बेसिकली इनवर्स करता है सम कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ये दो चीज बहुत जगह यूज होगी, उसमें से ये वाला अभी हमने यूज कर लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन। क्लियर है बच्चों? तो पॉज करके कॉपी करो, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये जेई में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी एक किए हुए हैं, अभी तुम देख के समझ जाओगे। लिखना क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री और एक इक्वेशन दे रखी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर लैम्डा, फाइंड लैम्डा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है तो देखते हैं, हम देखना ध्यान से। अब पहले बेटर रहेगा कि तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, एक अच्छा क्वेश्चन है और काफी सीखने मिलेगा तुम लोगों को, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो देखो, ए डैश मतलब तो ए ट्रांसपोज, मैंने बताया था दो नोटेशन है, ए डैश और ए ट्रांसपोज। अच्छा, अब ये देखना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी कल की क्लास में पढ़ा, क्या होता है बेसिकली वो कैपिटल डेल्टा वाली चीज, क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट का पावर एन माइनस वन। तो देखना ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, और ये और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होता है। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये लिखा है ए, इसका होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखना फादर, अब इन दोनों को क्लब कर लेते हैं तो फाइनली क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो एन इंटू ए हो गया हमारा। अब क्या करें, ये देख स्केलर की तरह कांस्टेंट की तरह, तो इसको बाहर ले लेते हैं, और बाहर लेंगे सिंस एन इज ए इज ऑफ ऑर्डर एन, तो ये इसके ऊपर एक और पावर एन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन तो है ही हमारे पास, इसका पावर एन और आ जाएगा और बचा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना हो गया फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर एन स्क्वायर इधर वन, तो एन स्क्वायर प्लस वन, और ये किसके बराबर दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर लैम्डा। अभी मैंने एन लिखा है, जनरलाइज लिखा है, अब मैं इस फैक्ट का यूज कर रहा हूँ, एन इज थ्री, तो थ्री स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया टेन। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया ना, वो इसलिए वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के टाइम्स ए, ये बताया भी था उस टाइम पढ़ाया था, तो मैंने बोला था सबसे ज्यादा अभी तक का इंपॉर्टेंट है उस टाइम के लिए, जब उस टाइम पढ़ाया था, इस के को जब मैं बाहर लेता हूँ तो के की पावर क्या आता है एन टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हर एक रो में से आता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी कॉन्स्टेंट को मैट्रिक्स में, तो वो हर एक रो में जाता है, बट जब हम कॉमन लेंगे एज ए डिटर्मिनेंट तो हर एक रो में से बाहर आएगा, इसलिए के जितने कितने नंबर ऑफ रो होंगे, जितने ऑर्डर होगा तो उतनी बार बाहर आ जाता है। क्लियर है ना, ये हमने उसका एक्सप्लेनेशन उधर भी दिखाया था। ठीक है, चलो तो पॉज करो, कॉपी करो, अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, लेट ए इज इक्वल टू वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री। अच्छा, फाइन ए इनवर्स का स्क्वायर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अगर प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो। ठीक है, उसे भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके, मैं इसको डिस्कस करता हूं अभी, तो देखना सॉल्यूशन बच्चों। सबसे मजेदार चीज क्या है था? सबसे पहली नोटिस करने वाली बात क्या है, दिस इज अ डायगनल मैट्रिक्स, दिस इज अ डायगनल मैट्रिक्स। चलो उसके बाद, अब मैंने जब आज की क्लास स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में पहले न्यूमेरिकल के बाद बताया था कि हम किसी डायगनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, हमें प्रॉपर प्रोसीजर से जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करें डायगनल एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। तो फाइनल मैं डायरेक्टली उस फैक्ट का यूज करके डायरेक्टली कहना मैं लिख सकता हूँ क्या, ए इनवर्स क्या होगा डायरेक्टली वन अपॉन वन वन, जीरो जीरो जीरो, टू का उल्टा वन बाय टू, फिर जीरो
जीरो जीरो, थ्री का रेसिप्रोकल वन बाय थ्री, तो इनवर्स एक झटके में आ गया। एक प्रॉपर्टी तो ये यूज हो गई, अभी देखना मजेदार चीज, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या, अब मुझे क्या करना है, ए इनवर्स का स्क्वायर निकालना, मतलब ए इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब ए इनवर्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये वाला इनवर्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स, दोनों बेसिकली सेम ही है, तो क्या करें हम, और मैंने बताया कि जब दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं इधर क्या हो जाएगा, वन इंटू वन वन जीरो जीरो जीरो, वन बाय टू इंटू वन बाय टू वन बाय फोर जीरो जीरो जीरो, वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री, बेसिकली दिस इज वन इंटू वन, क्लियर है। तो दिस इज माई आंसर, ए इनवर्स का स्क्वायर निकालना था, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखना मेथड टू तुम लोग का वेरीफाई कर लेना। इधर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्या, ए स्क्वायर का इनवर्स, याद है कल बताया था ए की पावर के का इनवर्स इज ए इनवर्स की पावर के, ये चीज पावर और इनवर्स को, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो, तो ए स्क्वायर क्या होगा, देखो चलो लिख, एक काम करो मैं बता ही देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो तुम लोग, फिर मैं मेथड टू भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये आई एम रबिंग इट नाउ, जस्ट कॉपी दिस, अब मैं मेथड टू बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने पहले इनवर्स निकाला फिर स्क्वायर किया, इंस्टेड ऑफ दैट हम पहले स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। क्या यूज कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी, देखना ये वाली, आई एम राइटिंग इट अगेन हियर, ए की पावर के इसका इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर के, वेयर के इज टू, तो ये टू है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर की पावर माइनस वन। तो ए स्क्वायर, अब ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर क्या होगा मेरा, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे दोनों दोनों में, ए और ए होगा, तो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो वन इंटू वन जीरो जीरो जीरो, टू इंटू टू जीरो जीरो जीरो, थ्री इंटू थ्री। अब ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स ए बी, इसका इनवर्स निकालना है, सिंस इट इज डायगोनल, तो क्या करें हम डायगोनल एलिमेंट्स को उल्टा कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का इनवर्स, मतलब बेसिकली बी इनवर्स बोल रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है, वन अपॉन वन इंटू वन जीरो जीरो जीरो, वन अपॉन टू इंटू टू जीरो जीरो जीरो, वन अपॉन थ्री इंटू थ्री, क्लियर है। ऐसे हमने पहले किया था, सेम आंसर आया था, वन बाय वन, वन बाय फोर, वन बाय नाइन, क्लियर है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, इसको कॉपी कर लो तुम लोग जब तक, पॉज करके, उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं इस लेक्चर को। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया एकदम सेम, बट इक्वेशन चेंज होगी, तो तुम लोग करो इसको सॉल्व। इफ ए इज इक्वल टू वन टू 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 वन टू 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 वन, ठीक है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए माइनस फाइव आई माइनस फाइव आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स, नल नॉट जीरो, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स एंड ए रेज टू पावर फोर, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, जल्द अटेम्प्ट करना इसको, ठीक है, कल की क्लास के पहले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।